धनतेरस की असली कथा। भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। यह वह दिन है जब हम सोना चांदी खरीदते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के पीछे की असली कथा क्या है? इस दिन का संबंध सिर्फ धन से नहीं बल्कि आयुर्वेद और जीवन रक्षा से भी जुड़ा है। आइए जानते हैं धनतेरस की असली कहानी। धनतेरस का मुख्य संबंध भगवान धन्वंतरी से है, जिन्हें आयुर्वेद के देवता माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब कई अमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई। इन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी ने ही मानव जाति को आयुर्वेद की विद्या दी, जो स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा का विज्ञान है। धनतेरस, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन यानी समृद्धि, और तेरस यानी तेरहवा दिन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धनतेरी का जन्म हुआ था और यही दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस की एक और रोचक कथा राजा हिमा और उनके पुत्र से जुड़ी है। ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि राजा हिमा का पुत्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा और उसकी मृत्यु सांप के कटने से होगी। इससे पूरा राज परिवार चिंतित हो गया। जब वह दिन आया, तब उसकी पत्नी ने एक अनूठी योजना बनाई। उसने अपने पति के कमरे के बाहर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और आभूषण जमा कर दिए। उसने दियों की रोशनी से कमरा उजाला कर दिया और सारी रात अपने पति को जागते रहने के लिए कहानियां सुनाई। जब यमराज सांप के रूप में उस राजकुमार की जान लेने आए, तो उन्होंने सोने चांदी की चकाचौंध और दियों की रोशनी देखी। इस तेज रोशनी से यमराज चकित हो गए और अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वह बिना राजकुमार की जान लिए ही लौट गए। इस तरह राजकुमार की जान बच गई। तब से इस दिन को यम दीपदान के रूप में भी मनाया जाता है, जहां यमराज की प्रसन्नता के लिए दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह दिन आयुर्वेद की महिमा को मान्यता देने का भी है। धनतेरस की असली कथा हमें सिखाती है कि समृद्धि सिर्फ धन से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु से भी होती है। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद के माध्यम से हमें स्वस्थ जीवन का उपहार दिया और माता लक्ष्मी हमें धन और समृद्धि प्रदान करती है।
इस दिन का असली महत्व हमारे जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। आइए इस धनतेरस पर हम सिर्फ धन ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य और जीवन के प्रति भी आभार व्यक्त करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।